ऑफ दर्शन कुमार ग्रे किरदार में, मैरी कॉम यानी स्टेन ऑफ द कश्मीर फाइल सहित कई फिल्मों, छोटी बहू व देवों को देव महादेव सहित कुछ टीवी सीरियलों के साथ ही परछाई, द फैमिली मैन व आसम जैसी वेब सीरीज में अपनी अभिनय प्रतिभा का जलवा दिखा चुके अभिनेता दर्शन कुमार अब एक बार फिर से अपनी प्रतिभा के को नए रूप में लोगों के सामने पेश करने जा रहे हैं। अब वह ग्रेवियल वर्स निर्देशित फिल्म RMCS यानी कि राजा मंत्री चोर सिपाही में दर्शन कुमार ग्रे किरदार में नजर आने वाले हैं। फिल्म RMCS की कहानी के केंद्र में पुनर्वास सुविधा में चल रहे यातना के खेल की का चित्रण है। फिल्म की कहानी उस रोमांच को उकेरती है जब राजा की सर्वोच्चता के कारण सारी व्यवस्था चरमरा रही हो। फिल्म RMCS में अभिनय कर उत्साहित दर्शन कुमार का दावा है कि इस फिल्म के फैशनेबल शख्सियत के ग्रे सेल्स वाले किरदार को निभाते हुए उन्हें अपने अंदर की प्रतिभा को निखारने में ज़्यादा सफलता मिली है। 26 जुलाई को द यूपी फाइल्स किस सच को बयां करेगी। 26 जुलाई 2024 को निर्माता उमराशुक ओस्तवाल और निर्देशक नीरज साय की फिल्म द यूपी फाइल्स प्रदर्शित होने जा रही है। निर्देशक की माने तो इसमें एक साफ सुथरे उत्तर प्रदेश का चित्रण करने के साथ ही इसमें उज्जवल भविष्य की भी रेखांकन किया गया है। निर्माता का दावा है कि उनकी फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जबकि यह पहली फिल्म होगी जिसमें अभिनेता मनोज जोशी को अपने लंबे करियर में पहली बार लीड किरदार निभाने का मौका मिला है। मनोज जोशी तो इस फिल्म के प्रशंसक करते थक नहीं रहे हैं। मनोज जोशी का दावा है कि सिनेमा समाज का आईना होता है, इसीलिए उनकी इस फिल्म के लेखक उस शख्सियत से प्रेरित हैं जिसने गुंडा राज का खात्मा कर यूपी को एक उद्यम प्रदेश बना दिया। मनोज जोशी का यह भी दावा है कि लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या में इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने स्वयं इस सच को महसूस किया है, पर फिल्म देखने के बाद दर्शक ही बता सकेंगे कि निर्माता, निर्देशक व अभिनेता मनोज जोशी कितना सच कह रहे हैं। फिल्म द यूपी फाइल्स में मनोज जोशी के साथ मंजरी फडणवीस, अवतार गिल, अली असगर, शाहवास खान, मिलिंद गुनाजी, अमन वर्मा, अशोक समर्थ, अनिल जॉर्ज जैसे कलाकार हैं। फिल्म के संगीतकार दिलीप सेन, कोरियोग्राफर गणेश आचार्य हैं। फिल्म को यूपी, जम्मू, मुंबई और राजस्थान में फिल्माया गया है। अभिमन्यु सिंह को मिला पत्नी का सहारा। 1997 टीवी सीरियल स्वाभिमान में रोनी बनर्जी का किरदार निभाकर बालू से जुड़ने वाले अभिनेता अभिमन्यु सिंह ने तब से अब तक कई टीवी सीरियलों और लगभग 60 फिल्मों में अभिनय कर अपने एक अलग पहचान बना ली है। पर अभिमन्यु सिंह को 27 वर्ष के करियर में वह मुकाम नहीं मिला जिसके वह हकदार हैं। अब उनकी पत्नी सरगम सिंह ने उन्हें यह मुकाम दिलाने के लिए कमर कस ली है। अभिमन्यु सिंह की पत्नी सरगम सिंह अब निर्माता, निर्देशक व लेखक श्रवण तिवारी के साथ मिलकर बतौर निर्माता एक मनोरंजक क्राइम थ्रिलर फिल्म कोकीन बना रही हैं, जिसमें अभिमन्यु सिंह एक मेहनती पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका में नजर आएंगे जो खुद को कार्टेल के भयावह जाल में उलझा हुआ पाता है। बोर्ड से ऊपर रहने के अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद जलाल को अपने भाई की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाना होगा जो क्रूर कार्टेल द्वारा लक्षित है। जैसे जलाल अपने परिवार की सुरक्षा करते हुए कानून का पालन करने के खतरनाक दंश से गुजरता है, वह जीवित रहने के खतरनाक खेल में फंस जाता है। हिंसा, विश्वासघात और नैतिक अस्पष्टता के निरंतर चक्र में फंसे जलाल को खुद को और अपने परिजनों को कार्टेल की जकड़ से निकालने की खोज में जबरदस्त बलिदानों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, फिल्म कोकीन एक मनोरंजक अपराध थ्रिलर जरूर है, लेकिन इसमें कानून, प्रवर्तन, अपराधिता के संदिग्ध अंतर संबंधों को भी गहराई से उजागर किया गया है। मुंबई की जीवंत लेकिन खतरनाक पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी एक शक्तिशाली ड्रग कार्टेल के इर्द गिर्द घूमती है जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों और राजनेताओं की मरगत से कोकीन व्यापार पर महत्वपूर्ण नियंत्रण रखता है। 9 अगस्त से फिर आई हसीन दिलरुबा। 2 जुलाई 2021 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही फिल्म हसीन दिलरुबा का सीक्वल फिर आई हसीन दिलरुबा के नाम से नेटफ्लिक्स पर ही 9 अगस्त से स्ट्रीम होगी। इस बार भी इसमें प्यार, धोखे और अपराध की धड़कन बनाने की गाथा के ही साथ बदकिस्मत प्रेमी रानी और रिसु की उथल पुथल भरी यात्रा भी नजर आएगी। जयप्रद देसाई निर्देशित, कनिका धिल्डन लिखित और सह निर्मित इस फिल्म में तापसी पन्नू, विक्रांत मैसी, सनी कौशल और जिमी शेरगिल हैं। आनंद राय की प्रोडक्शन कंपनी एलो प्रोडक्शंस और भूषण कुमार की टी सीरीज फिल्म्स ने मिलकर इसका निर्माण किया है। फिर आई हसीन दिलरुबा की शुरुआत वहीं से होगी जहां पर पहली फिल्म हसीन दिलरुबा खत्म हुई थी। कहानी रानी कश्यप और ऋषभ सक्सेना की ही है जो आगरा के शहर में एक नई शुरुआत की तलाश में है। अधिकारी उनकी राह पर हैं और खून की बूंदें उनके निशानों को चिन्हित कर रही हैं। उनकी खोज सनी कौशल के चरित्र अभिमन्यु के आगमन के साथ एक नाटकीय मोड़ ले लेती है। प्रेमियों को जिमी शेरगिल और कई अन्य लोगों के साथ नए दुश्मन भी मिलते हैं जो उनकी खुशहाल जिंदगी को तहस नहस करने पर आमादा नजर आएंगे।